सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच. सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं. आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है. आपकी प्रिपरेशंस को और बेहतर बनाने के लिए अगेन इन दिस वेरी वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज द इंटायर चैप्टर ऑफ बोर्ड मीटिंग इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, राइट? तो पूरा जो बोर्ड मीटिंग का चैप्टर है, जो अगेन अपने को बहुत लेंथी लगता है, टेक्निकल लगता है, अपन बहुत कम टाइम फ्रेम में रिवाइज करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर. होपफुली ये जो इनिशिएटिव है, दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, राइट? आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए सर? आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए मुझे शानदार रिजल्ट्स, राइट? सबसे पहले मुझे चाहिए शानदार रिजल्ट्स. आई नीड एक्सलेंट रिजल्ट्स फ्रॉम यू गाइस. आई नीड 70 70 प्लस इन लॉ एंड ऑडिट. दैट्स द काइंड ऑफ रिजल्ट आई वांट फ्रॉम यू ऑल, एंड आई नो दैट यू हैव द पोटेंशियल टू गिव इट टू मी. तो एक तो मुझे चाहिए आपसे एक्सलेंट रिजल्ट्स, और दूसरा यार थोड़ा बहुत प्यार हमारे लिए भी रिजर्व कर दीजिए. वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपना ढेर सारा जो प्यार है, अगेन वो ढेर सारा प्यार से हमें भी क्या कर दो, गदगद कर दो. बिकॉज वी ऑल्सो यू नो स्ट्राइव फॉर योर लव. आप जब वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, अच्छे कमेंट्स लिखते हो, तो कहीं ना कहीं वी ऑल्सो गेट ए इंस्पिरेशन दैट यू नो वी नीड टू कंटिन्यू दिस इनिशिएटिव फॉर यू ऑल. सो दैट्स द मोटिवेशन दैट वी गेट, नथिंग एल्स, राइट? नॉट ए मॉनिटरी मोटिवेशन, बट जस्ट ए आई कैन से दैट मोटिवेशनल मोटिवेशन फ्रॉम यू ऑल. अच्छा लगता है जब बच्चे क्या करते हैं, मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ बोर्ड मीटिंग. सबसे पहले इस चैप्टर का जो समरी नोट्स है, डाउनलोड कर लो हमारे वेबसाइट से www.apnamental.com. फ्री रिसोर्सेज के सेगमेंट में जाइए, डायरेक्टर समरी नोट्स बोलकर मिलेगा आपको. तो डायरेक्टर समरी नोट्स फटाफट डाउनलोड कर लीजिए. उसमें तीनों चैप्टर के समरी नोट्स हैं. अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स है, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पास है, एंड अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल है. तो बाकी दोनों चैप्टर्स के भी रिविजनरी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर मिल जाएंगे, राइट? यू आर गोइंग टू गेट द रिविजनरी वीडियो ऑफ द रिमेनिंग टू चैप्टर्स एज वेल इन द इन माई यूट्यूब चैनल. और यही समरी नोट्स मैं तीनों में यूज करा रहा हूँ. सो दैट इज वाई दिस समरी नोट्स इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल. प्लस इतने कंसाइज वे में नोट्स को ड्राफ्ट किया गया है कि एग्जाम से 3 घंटे पहले भी आप चाहो तो तीनों चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो, क्लियर है? एडिशनली आपके असिस्टेंस के लिए मैं आपको रिविजनरी ऑडियोज भी प्रोवाइड कर दूंगा, ऑडियो क्लिप्स भी प्रोवाइड कर दूंगा. तो रिविजनरी वीडियोज, ऑडियो क्लिप्स, समरी नोट, सब कुछ आपको मिल रहा है. और आपसे मुझे क्या चाहिए सर? एक्सलेंट रिजल्ट्स. तो वादा कर रहे हो एक्सलेंट रिजल्ट्स का? ओके, चलो 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 फिर आगे बढ़ते हैं. अब देखना है यहाँ पे यार, चैप्टर बहुत आसान है. मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पास चैप्टर बहुत आसान है. चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट. और जो सेक्शंस कवर्ड है वो है सेक्शन 173 टू 195, 173 टू 195, ठीक है? तो चैप्टर नंबर कौन सा है सर? चैप्टर नंबर 12 है, और जो सेक्शंस कवर्ड है क्या है? 173 टू 195. अब चैप्टर को कैटेगराइज कर लो, आपके लिए आसान हो जाएगा. अगर सेम चैप्टर को अगर अपन नंबर ऑफ यूनिट्स में कैटेगराइज कर दें तो हमारे लिए क्या हो जाएगा सर? चैप्टर आसान हो जाएगा. तो सबसे पहले हम जब बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड ही अपने पास कुछ सेक्शंस हैं. सेक्शन 173 टू 175, ये जो तीनों सेक्शंस है ना, ये बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड है. सेक्शन 173 बात करता है कि बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस भेजना होगा. नोटिस भेजा तो मीटिंग कंडक्ट किया जाएगा, मीटिंग में कोरम की रिक्वायरमेंट है. 174 एंड द अदर वे टू कंडक्ट ए बोर्ड मीटिंग इंस्टेड ऑफ ए फिजिकल बोर्ड मीटिंग इज रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, दैट इज 175, क्लियर है? तो एक यूनिट हो गया चैप्टर का, दैट इज बोर्ड मीटिंग 173 टू 175. उसके बाद कमिटीज ऑफ द बोर्ड, एक दूसरा यूनिट अपन कैटेगराइज कर सकते हैं विद इन द चैप्टर, कमिटीज ऑफ द बोर्ड, जिसके अंदर सिर्फ दो सेक्शन है हमारे पास, 177 178, दैट इज कमिटीज ऑफ द बोर्ड. तो 177 यहां पे ऑडिट कमेटी की बात करता है, 178 यहां पे नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी की बात करता है. उसके बाद अपन बात करते हैं पावर्स ऑफ द बोर्ड. तो सेक्शन 176 टू 183 अपन कैटेगराइज कर सकते हैं पावर्स ऑफ द बोर्ड, जिसमें 177 178 नहीं आएगा क्योंकि वो कमिटीज के बारे में है. और बाकी आप देखोगे 179 पार्ट्स ऑफ द बोर्ड, 180 पावर ऑफ बोर्ड टू डू चैरिटी, 180 सॉरी पार्ट्स ऑफ द बोर्ड टू टेक द बोरोइंग्स, टू यू नो एक्चुअली गिव द बोरोइंग्स, 181 चैरिटी का पार है, 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का पार है, 183 नेशनल डिफेंस फंड का पार है. 180 के अंदर सिर्फ बोरिंग से कवर्ड नहीं है, बोरिंग के अलावा और भी चीजें कवर्ड है. बेसिकली पार्ट्स ऑफ द बोर्ड दिया गया है दैट इज एक्सरसाइजेबल आफ्टर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन. 179 में जनरल पार्ट्स की लिस्ट दी है, दैट इज एक्सरसाइजेबल विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन. एंड 180 में स्पेसिफिक पार्ट्स की लिस्ट दी है, दैट इज एक्सरसाइजेबल आफ्टर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन. तो ये भी एक कैटेगराइजेशन हो गया, दैट इज पार्ट्स ऑफ द बोर्ड. उसके बाद वी हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इन द चैप्टर, दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर तीन सेक्शंस आते हैं, 184 आता है, 188 आता है, 189 आता है.
184 we have disclosure of interest, 188 we have related party transaction, and 189 we have register of related parties or members के पास right है वहाँ पे register को inspect करने का, so we have related party transactions. Then we can divide again the chapter into a small unit known as loans and investment. तो अब तीन sections देखोगे जो loans and investment से related है, 185, 186, 187. तो 185 says कि अगेन कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकता या डायरेक्टर्स के बिहाफ में गारंटी वगैरह नहीं दे सकता. 186 talks about intercorporate loans and investment, and 187 talks about investment in own name. तो अगेन छोटा सा यूनिट है, दैट इज लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट. छोटा सा यूनिट है, दैट इज लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट. एंड आफ्टर दैट वी हैव रेसिडुअल सेक्शंस. आई कैन टेल इट, रेसिडुअल सेक्शंस, जो बच्चे कुछ सेक्शंस हैं जो एग्जाम के लिए ज्यादा काम के नहीं है. तो रेसिडुअल सेक्शंस हो गया, जैसे सेक्शन 192 हो गया, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, फिर सेक्शन 190 है, 191 है, तो ये सारे रेसिडुअल सेक्शंस. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमने पूरे बोर्ड मीटिंग के चैप्टर को क्या कर दिया सर, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया. और जैसे ही हम छोटे छोटे टुकड़ों में एक बड़े चैप्टर को डिवाइड कर देते हैं, चैप्टर हमारे लिए बेहद आसान बन जाता है, बेहद ईजी बन जाता है. दैट इज अ मंत्र ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ बिग चैप्टर. तो देखना सबसे पहले टॉकिंग अबाउट सेक्शन 173 मीटिंग ऑफ द बोर्ड. तो देखो यार, इस सेक्शन के अंदर दो बातें बोली गई हैं, एक तो बोर्ड मीटिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और दूसरा इट टॉक्स अबाउट नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग. तो सेक्शन के अंदर दो बातें की गई हैं. ठीक है, अब जब व्हेन दे टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग, कब कंडक्ट करना है, कितने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने हैं, तो सबसे पहला आता है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग. अब फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की बात करें यार, ये तो एक ही बार होगा, पहली बार जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था तो बोर्ड मीटिंग पहली कितने दिन में करानी है. तो बोला गया कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शुड बी हैड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा उसके 30 डेज के अंदर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कराना है. इसलिए तो ऑडिट के चैप्टर में आप देखते हो कि वहां पे फर्स्ट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट भी विद इन 30 डेज होता है, क्योंकि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज है. ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के बाद, बट व्हाट अबाउट सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स. तो बोला गया कि देखो भैया, हर कैलेंडर ईयर में चार बोर्ड मीटिंग होने चाहिए. हर कैलेंडर ईयर में यानी जैन से दिसंबर का जो पीरियड है उसमें चार बोर्ड मीटिंग होने चाहिए, और जो मैक्सिमम गैप होगा दो बोर्ड मीटिंग के बीच वो 120 डेज होगा. 120 डेज से ज्यादा गैप और दो बोर्ड मीटिंग के बीच नहीं होना चाहिए. तो मिनिमम फोर बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर एंड द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग इज 120 डेज. 120 डेज, ठीक है. इसके बारे में एक दो अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे सेक्शन 174 में, जो कि कॉरम का सेक्शन है. अभी के लिए याद रखो, मैक्सिमम गैप दो बोर्ड मीटिंग के बीच 120 डेज. बट अगेन इसके कुछ एग्जम्पशंस हैं. कुछ एग्जम्पशंस एमसीए नोटिफिकेशन के द्वारा ये दिया गया है, और कुछ एग्जम्पशंस 173 सबसेक्शन 5 में दिया गया है. तो देखोगे सबसे पहले एग्जम्पशन दिया गया है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, सेक्शन 8 कंपनीज को, एमसीए नोटिफिकेशन के द्वारा. क्या दिया गया है, बोला गया कि अगर सेक्शन 8 कंपनीज है ना, तो उनको एक कैलेंडर ईयर के अंदर चार बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है. ए एग्जम्पशन हैज बीन ग्रांटेड, दैट इज सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ सेक्शन 8 कंपनी, ओनली टू द एक्सटेंट दैट बीओडी ऑफ सच कंपनीज शैल होल्ड एटलीस्ट वन मीटिंग विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स. तो अगर एक सेक्शन 8 कंपनी हर 6 कैलेंडर मंथ्स में एक बोर्ड मीटिंग हेल्ड करता है, दैट विल सफाइस द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन. ये एग्जम्पशन दिया गया है सेक्शन 8 कंपनीज को एमसीए नोटिफिकेशन के द्वारा. उसके अलावा देखोगे 173 सबसेक्शन 5, तो सिमिलर एग्जम्पशन ग्रांट किया गया है टू 1% कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, डॉर्मेंट कंपनीज एंड एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है. तो 1% कंपनीज जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 62 में डिफाइंड है, स्मॉल कंपनीज जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 85 में डिफाइंड है, डॉर्मेंट कंपनीज जो कि सेक्शन 455 में जिसका कॉन्सेप्ट दिया गया है, एंड प्राइवेट कंपनीज जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 68 में डिफाइंड है, एंड बेसिकली जो एक स्टार्टअप है, इनको भी एग्जम्पशन दिया गया है कि इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर दे आर रिक्वायर्ड टू होल्ड ओनली वन बोर्ड मीटिंग, ओनली वन बोर्ड मीटिंग, राइट, एटलीस्ट वन बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर. तो दैट इज द एग्जम्पशन गिवन टू ओपीसी, स्मॉल कंपनीज, डॉर्मेंट कंपनीज, प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप वी आर 173 सबसेक्शन 5. और साथ ही साथ यहां पे बोला गया मिनिमम गैप बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग शुड बी 90 डेज. तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मल कंपनीज के केस में मैक्सिमम गैप बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग 120 डेज, और इन चार कैटेगरीज में मिनिमम गैप बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग इज 90 डेज. ठीक है, और साथ ही साथ बोला गया है कि ये जो एग्जम्पशन है ना, ये जो एग्जम्पशन है जो प्राइवेट कंपनी को दिया गया था, ये एग्जम्पशन प्राइवेट कंपनी को नहीं मिलेगा अगर प्राइवेट कंपनी क्या करती है, डिफॉल्ट करती है इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 137 टू द आरओसी और एनुअल रिटर्न्स अंडर सेक्शन 92 टू द आरओसी. सेक्शन 137 में आप देखते हैं कि जनरल मीटिंग के बाद 30 डेज के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी को फाइल करना होता है, और सेक्शन 92 में आप देखते हो कि जनरल मीटिंग के बाद 60 डेज के अंदर एनुअल रिटर्न्स आरओसी को फाइल करना होता है. तो अगर प्राइवेट कंपनी ने यहां पे डिफॉल्ट किया है, तो इन दैट वाले सिनेरियो इनको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, इनको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये हो गया कंडक्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग. उसके बाद आता है नोटिस की बातें. तो अब देखना, अगर नोटिस की बात करें
तो बोला गया कि बोर्ड मीटिंग जब भी होगा, अगेन लॉजिकल सी चीज है यार, पहले नोटिस देना होगा सारे डायरेक्टर्स को, नोटिस देना मैंडेटरी है। अगर एक भी डायरेक्टर को आपने जाने अनजाने इंटेंशनली अनइंटेंशनली नोटिस नहीं दिया, दैट मे इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। तो नोटिस देना कंपलसरी है सारे डायरेक्टर्स को, कंपलसरी है, और नोटिस राइटिंग में देना होगा। और नोटिस पीरियड है 7 डेज, नोटिस पीरियड टू कॉल बोर्ड मीटिंग इज 7 डेज, यानी 7 डेज प्रायर टू बोर्ड मीटिंग क्या करना पड़ेगा, नोटिस आपको भेजना पड़ेगा। अब नोटिस कैसे भेजना है, तो नोटिस आप हैंड डिलीवरी के थ्रू भेज सकते हो, पोस्ट थ्रू भेज सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भेजा जा सकता है। यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकती है, अपने डायरेक्टर्स को जो नोटिस है बोर्ड मीटिंग का, हैंड डिलीवरी के थ्रू भेज सकती है, पोस्ट के थ्रू भेज सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मींस यानी कि जैसे आपका मेल हो गया, फैक्स हो गया, इनके थ्रू भेज सकती है। ऑब्वियसली व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप नहीं आएगा इलेक्ट्रॉनिक मींस के अंदर, है ना। कुरियर नहीं आएगा यहां पे, क्योंकि कुरियर को अलग से बोला नहीं गया, हैंड डिलीवरी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मींस बोला गया है। तो 7 डे का नोटिस का रिक्वायरमेंट है। बट वॉट इफ इट्स अर्जेंट बिजनेस मीटिंग और कंपनी के पास उतना टाइम नहीं है कि 7 डेज पहले नोटिस दें, वेट करें। तो बोला गया शॉर्टर नोटिस का भी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, शॉर्टर नोटिस का भी कॉन्सेप्ट है। शॉर्टर नोटिस में भी कॉल्ड एज शॉर्टर नोटिस, शॉर्टर नोटिस में भी कॉल्ड एज शॉर्टर नोटिस टू ट्रांजेक्ट अर्जेंट बिजनेस। लेकिन कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। जी हाँ, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसका इंडिपेंडेंस की परिभाषा हमने देखी थी 149 सबसेक्शन 6 के अंदर, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन मामला बहुत अर्जेंट है सर, और मान लीजिए हमारे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो भी देश के बाहर गए हुए हैं, अब क्या किया जाए। तो बोला कि अब कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग डिसीजंस ले लीजिए, आप लोग डिसीजंस ले लीजिए और बाद में सर्कुलेट कर दीजिए डिसीजन को सारे डायरेक्टर्स को, और रेटिफाई करा लीजिए बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो शुरू में डिसीजन ले लीजिए, बाद में सारे डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट कर दीजिए, और बाद में रेटिफाई करा दीजिए, कंफर्म करा दीजिए बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड ऑब्वियसली ये रिक्वायरमेंट तभी लगेगा इफ इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एज पर लॉ। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, कि अगर एक भी सिंगल डायरेक्टर को नोटिस नहीं दिया तो बोर्ड मीटिंग क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, और बोर्ड मीटिंग के अंदर जितने भी रेजोल्यूशन पास किए गए हैं वो भी वॉइड माना जाएगा। लेकिन अगर जो डायरेक्टर है जिसे नोटिस नहीं दिया गया वो खुद कंप्लेन नहीं करता और जाकर खुद बोर्ड मीटिंग में बैठ जाता है, तो इन दैट वेरी सिनेरियो वो बाद में नहीं बोल सकता कि इस बोर्ड मीटिंग को वॉइड करार किया जाए, दैट इज समथिंग गिवन। क्या डायरेक्टर खुद से अपना राइट वेव कर सकता है कि मेरे को नोटिस नहीं चाहिए, तो बोला गया नहीं, डायरेक्टर खुद से भी अपना राइट वेव ऑफ नहीं कर सकता, बिकॉज ये एक स्टैचुरी ऑब्लिगेशन है, डायरेक्टर्स को नोटिस भेजना एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। और कंपनी यहां पे अगर डायरेक्टर्स को नोटिस नहीं भेजती है तो जो भी ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी होंगे जो लायबल थे उस चीज के लिए, उनके ऊपर पेनल्टी लगेगा, दिस विल बी लायबल टू ए पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज, 25,000 रुपए का उनके ऊपर पेनल्टी लगेगा। जो ये नोटिस भेजा जाएगा, देर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इन सेक्शन 173 की नोटिस में क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए, बट डेट टाइम एंड प्लेस मस्ट बी गिवन एज ए मैटर ऑफ गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखना आज की तारीख में आपने देखा है स्पेशली जब से कोविड आ गया है कि ज्यादातर जो मीटिंग्स वगैरह हैं वो फिजिकली कंडक्ट नहीं कराकर इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंडक्ट कराई जाती है। तो आज की तारीख में मीटिंग्स जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंडक्ट कराई जा सकती है, कंपनीज हैव द ऑप्शन दैट दे मे एक्चुअली कंडक्ट द मीटिंग्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, और जितने भी रिजोल्यूशन है वो अगेन क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी पास हो सकते हैं, जितने भी रेजोल्यूशन है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी पास हो सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मींस के द्वारा भी पास हो सकते हैं। पहले एक रूल 4 था, रूल 4 के अंदर 5 मैटर्स दिए गए थे, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, मैटर्स रिलेटेड टू एमलगमेशन, मर्जर्स, तो इस तरीके से 5 मैटर्स दिए गए थे कि ये 5 चीजें सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल मींस के द्वारा नहीं हो सकती, फिजिकल मीटिंग में ही होना कंपलसरी है। बट अब वहां भी रिलैक्सेशन दे दिया गया है, रूल 4 की रिक्वायरमेंट्स को भी हटा दी गई है, एज ऑन टूडे एवरी मैटर मे बी ट्रांजेक्टेड वे द ऑडियो विजुअल मीन्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे जो रूल्स के अंदर बोला गया है कि एक डायरेक्टर जो डिजायर करता है टू अटेंड द मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ही कैन पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन उसको कंपनी को डिक्लेरेशन देना होगा कि मैं क्या करना चाहता हूं, मीटिंग्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंडक्ट करना चाहता हूं, और वो जो डिक्लेरेशन डायरेक्टर देगा वो 1 साल के लिए वैलिड होगा, वो जो डायरेक्टर डिक्लेरेशन देगा वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। बट अगर बाद में डायरेक्टर का मूड करे कि वो फिजिकली मीटिंग अटेंड करना चाहता है तो जाकर डायरेक्टर फिजिकली भी मीटिंग अटेंड कर सकता है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहां पे सेक्शन 173 में दिया गया है। अब 173 में नोटिस हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग हो गया, 174 में कोरम की बात की गई है कि मीटिंग में कितने लोगों का होना जरूरी है।
तो देखना यहाँ पे वी हैव ब्रॉडली 170 हैव सब 174 सबसेक्शन 1 एंड वी हैव 174 सबसेक्शन 3। 174 सबसेक्शन 1 में एक जनरल रूल बोला गया है कि कोरम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग। तो बोला गया कि कोरम कैसे कैलकुलेट होगा, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ टू डायरेक्टर्स व्हिच एवर इज हायर। टोटल स्ट्रेंथ मतलब कंपनी में मान लीजिए 15 डायरेक्टर्स हैं, 10 डायरेक्टर्स मीटिंग में आ रहे हैं, तो 1/3 15 का लेंगे, तो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 व्हिच एवर इज हायर। ठीक है भैया, तुमने 5 ले लिया वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ डज नॉट इंक्लूड डायरेक्टर्स हुज ऑफिसेस आर लायबल टू बी वैकेंट। तो अगर कोई डायरेक्टर है जिसका ऑफिस वैकेंट होने वाला है, डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हो गया है, तो उन डायरेक्टर्स को हम लोग काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ के अंदर। दैट इज द जनरल रूल ऑफ कोरम। और ये जो मिनिमम नंबर होगा 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 व्हिच एवर इज हायर, बेसिकली दिस आर दोज डायरेक्टर्स जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द कंपनी, दे शुड नॉट बी इंटरेस्टेड, दे आर नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट। ठीक है, एमसीए नोटिफिकेशन के द्वारा सेक्शन 8 कंपनीज के लिए कोरम का अलग रिक्वायरमेंट दिया गया है। बोला गया है 8 मेंबर्स और 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ व्हिच एवर इज लेस। 8 मेंबर्स और 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ व्हिच एवर इज लेस, और मिनिमम 2 मेंबर्स तो होने ही चाहिए वहां पे। तो सेक्शन 8 कंपनीज के लिए कोरम का अलग रिक्वायरमेंट दिया गया है एज पर द एमसीए नोटिफिकेशन। अब देखना 174 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है। 174 सबसेक्शन 3 बोलता है कि वैसे तो नॉर्मली आप कोरम 174 सबसेक्शन 1 के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वेयर एट एनी टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एक्सीड्स और इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वेयर एट एनी टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स exceeds or is equal to 2/3 of the total strength of board of directors. Oh my god! तो जो total strength है, जो total strength है, हमने देखा कि जो number of interested actors हैं, वो exceed कर रहा है या equal है to 2/3 of the total strength. ठीक है? मतलब total strength अगर 10 है, तो 10 का 2/3, that is 7. तो इतने directors अगर interested हैं, exceeds or is equal to 2/3, तो हम ये देखेंगे कि नॉन इंटरेस्टेड एक्टर्स कितने हैं, हाउ मच आर द नॉन इंटरेस्टेड एक्टर्स। अगर नॉन इंटरेस्टेड एक्टर्स एटलीस्ट 2 भी है ना, तो माना जाएगा कि कोरम की रिक्वायरमेंट प्रेजेंट है, क्योंकि अगर इंटरेस्टेड एक्टर्स एक्सीड कर रहे हैं या इक्वल है टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, तो सबसेक्शन 1 के साथ तो कोरम निकल नहीं पाएगा। तो अकॉर्डिंगली बोला जा रहा है कि हम ये देख लेंगे यहाँ पे कि नॉन इंटरेस्टेड एक्टर्स कितने हैं। अगर एटलीस्ट 2 नॉन इंटरेस्टेड एक्टर्स भी हैं उस वक्त, तो मान लिया जाएगा कोरम प्रेजेंट है, द कोरम इज प्रेजेंट, दैट इज हाउ द कोरम रिक्वायरमेंट विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो इसका जो मेन बुक है उसके अंदर मैंने इलस्ट्रेशन दिया हुआ है दैट एक्जेक्टली हाउ द कोरम इज कैलकुलेटेड, फिगर्स के साथ वहां पे मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिया हुआ है दैट हाउ वी आर कैलकुलेटिंग इट। अब देखना 174 का एक अच्छा कोरिलेशन बनता है 173 के साथ। 173 के अंदर याद करो हमने बोला था कि भैया साल में कितना रिक्वायरमेंट है, 4 बोर्ड मीटिंग का रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम गैप 120 डेज का होना चाहिए। अब यहां पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए लेट अस से लास्ट डे जो कंपनी ने लास्ट बोर्ड मीटिंग का फिक्स किया था वो लेट अस से 26th of December 2021 2021 द लास्ट डे द फोर्थ बोर्ड मीटिंग। ठीक है भैया, लेकिन हुआ क्या, कोरम प्रेजेंट नहीं था। अब यहां पे बोला गया है सेक्शन के अंदर कि अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है ना, तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगा टू द नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। क्या बोला गया, मीटिंग एडजर्न हो जाएगा टू द नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। अब नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस में मीटिंग एडजर्न हो गया, यानी 3rd January 2022 में एडजर्न हो गया। अब इसका इंप्लीकेशन क्या आया कि एज ऑन द कैलेंडर ईयर 2021 4 बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड नहीं हो पाई, तो क्या इसे कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा? बोला नहीं, इसे कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा, बिकॉज बीओडी की गलती नहीं थी, बीओडी ने टाइमली 4 बोर्ड मीटिंग्स बुलाई थी, बट कोरम ना प्रेजेंट होने की वजह से मीटिंग एडजर्न हो गई और अगले फाइनेंशियल ईयर में चला गया। अब एक डिलेमा यहां पे और आता है, एक डिलेमा और क्या आता है, जनरल रूल यह है कि एडजर्न मीटिंग इज ट्रीटेड एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग। दैट इज व्हाई हमने यहां पे कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना कि 3rd जनवरी 2022 को जो मीटिंग होगी वो एक कंटिन्यूएशन है ऑफ द एडजर्न ओरिजिनल मीटिंग। अब जो भी रेजोल्यूशन पास होंगे ऑन द एडजर्न मीटिंग, जो भी रेजोल्यूशन पास होंगे ऑन द एडजर्न मीटिंग दैट वेर एक्चुअली सपोज टू बी पास ऑन द ओरिजिनल मीटिंग, तो व्हाट इज द इफेक्टिव डेट फॉर द रेजोल्यूशन टू बी पास। इफेक्टिव डेट में क्या मानेंगे, ओरिजिनल डेट मानेंगे कि एडजर्न डेट मानेंगे? तो भाई हकीकत यह है कि वो जो रेजोल्यूशन है वो एडजर्न डेट में पास हुआ है, 3rd January को पास हुआ है, तो हम यही मानेंगे कि 3rd January को ही वो सारे रेजोल्यूशन पास हुए हैं। दिस इज मोर ऑफ ए क्लैरिफिकेशन। तो ये सारी चीजें आपको सेक्शन 174 के अंदर याद रखनी है, ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इन 174, एंड ऑल्सो इट हैज अ ब्यूटीफुल कोरिलेशन विद 173। उसके बाद आता है सेक्शन 175 रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टर्स में डिसाइड कि यार इंस्टेड ऑफ फिजिकली कॉलिंग ए बोर्ड मीटिंग लेट अस डू वन थिंग,
कि अपन ना एक ड्राफ्ट बना देते हैं, रिजोल्यूशन की एक ड्राफ्ट कॉपी बना देते हैं, सारे डायरेक्टर्स को उनके घर में सर्कुलेट कर देते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो अपने घर में ही वोट करके बता देंगे, इंटीमेट कर देंगे कि वेदर दे एग्री विद द रिजोल्यूशन और नॉट। तो फिजिकल बोर्ड मीटिंग बुलाना नहीं पड़ेगा। तो यहां पे बोला गया कि अगर 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो वो बोल सकते हैं कि भैया इस मामले को ना हम लोग आरबीसी के थ्रू डिसाइड करेंगे, रिजोल्यूशन में सर्कुलेशन के थ्रू डिसाइड करेंगे। तो फिर क्या होता है कि जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन का कॉपी है अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वो सर्कुलेट कर दिया जाएगा टू द डायरेक्टर्स या एंड मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमिटी, ठीक है। और ये जो सर्कुलेशन है, ये जो नोट भेजा जाएगा, इसका जो नोटिस भेजा जाएगा वो कैसे भेजा जाएगा, हैंड डिलीवरी के द्वारा भेजा जाएगा, पोस्ट के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा, सेम लाइक 173 का नोटिस का जो मोड था, खाली यहाँ पे कुरियर ऐड है, कुरियर ऐड किया हुआ है। मतलब बोर्ड मीटिंग का नोटिस आप कुरियर के द्वारा नहीं भेज सकते टेक्निकली स्पीकिंग एज पर द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, लेकिन आरबीसी का सर्कुलेशन का जब बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे कुरियर के द्वारा भेजा जा सकता है। तो अपन ने भेज दिया, सेंड कर दिया, उसके बाद अब क्या कराना है, अप्रूव कराना है विद द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर्स। अब नॉर्मल बोर्ड मीटिंग का ये सिस्टम होता है कि जितने डायरेक्टर्स आए हैं, जो लोग इंटाइटल टू वोट हैं उनमें से, जितने भी डायरेक्टर्स आए हैं और जो लोग एक्चुअल वोट करेंगे उनमें से अपन सिंपल मेजोरिटी देखते हैं। बट आरबीसी का फंडा थोड़ा अलग है। आरबीसी में बोला गया है इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर्स हु आर इंटाइटल टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन, कि जितने लोग इंटाइटल टू वोट हैं, जितने लोग एक्चुअली वोट कर रहे हैं उसमें से सिंपल मेजोरिटी नहीं देखनी, जितने लोग इंटाइटल टू वोट है उसमें से सिंपल मेजोरिटी देखनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ 11 डायरेक्टर्स वर एंटाइटल्ड टू वोट एंड टू हैव एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग एंड फाइव हैव वोटेड इन फेवर, तो 5 out of 9 नहीं देखेंगे, 5 out of 11 देखेंगे और पता चलेगा कि मेजोरिटी यहां पे पास नहीं हुआ है। तो दैट इज अ डिफरेंस, दैट इज अ डिफरेंस। तो ये अपने को याद रखना है सेक्शन 175 के अंदर, दैट इज रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ठीक है। तो तीन सेक्शंस अपना फ्लो में हो गया, पहला यूनिट हो गया चैप्टर का 173, दैट इज वी हैव बोर्ड मीटिंग, 174 that is we have the requirements of quorum, and again 175 that is we have the resolution by circulation. अब देखना जो अगला यूनिट है चैप्टर का, दैट इज ऑडिट कमिटीज। तो दो ही सेक्शन है 177, 178. आई हैव टेकन आउट द मेन नोट्स फॉर दिस। तो एक आधा पॉइंट आपको एक्स्ट्रा दिखेगा जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, आधा चार्ट एक्स्ट्रा दिखेगा। तो सबसे पहले सेक्शन के अंदर ऑडिट कमेटी का कॉम्पोजिशन, ऑडिट कमेटी का कॉम्पोजिशन, ऑडिट कमेटी की एप्लीकेबिलिटी। तो ऑडिट कमेटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी कंपनीज में एप्लीकेबल है, तो सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी के बारे में बात करता है, 178 नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी के बारे में बात करता है। दोनों के लिए कलेक्टिवली दिया गया है दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट कमेटी एंड नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी इज एप्लीकेबल टू एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो कि टॉप कैटेगरी की है, टॉप कैटेगरी की है मतलब टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 CR, आउटस्टैंडिंग लोन्स वगैरह ग्रेटर देन 50 CR, पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 CR, तो दे आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी NRC। द लिमिट इज सेम लाइक सेक्शन 149 जहां पे अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। अब ऑडिट कमेटी का कॉम्पोजिशन, तो बोला गया कि ऑडिट कमेटी के अंदर कम से कम मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए जिसमें मेजोरिटी ऑफ देम शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अगर सेबी लोडर है तो एप्लीकेबल है कंपनी के ऊपर, तो आप देखोगे 2/3 है वहां पे, ठीक है। And majority of the members of audit committee, including its chairperson, shall be persons with the ability to read and understand the financial statements. अब यहाँ पे audit committee के ना काफी सारे functions दिए हैं। तो functions के अंदर auditors के appointment हो गया, auditor के appointment के लिए recommendation देना हो गया, financial performances को review करना हो गया, internal control system को review करना हो गया, जो भी mergers amalgamations वगैरह होता है उन चीजों को approve करना हो गया, रिव्यू करना हो गया, ये सारा ऑडिट कमेटी के फंक्शंस में दिया गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो ये मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट भी आप इनकॉर्पोरेट करोगे अपने समरी नोट्स में। तो सेक्शन 188 जब हम लोग पढ़ेंगे ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का जो सेक्शन है, वहां भी दिया हुआ है कि व्हेनेवर द कंपनी अंडरटेक्स अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन एडिशन टू पासिंग ए बोर्ड रिजोल्यूशन, द कंपनी नीड्स टू टेक द अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी। और कुछ लिमिट्स दी हुई है वहां पे कि अगर उन लिमिट्स को एक्सीड किया जा रहा है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा, और ऑडिट कमेटी अगर एग्जिस्ट करती है तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो सिमिलरली 177 सबसेक्शन 4 के क्लॉज 4 में भी बोला गया है कि ऑडिट कमेटी क्या करेगा, अप्रूव करेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। और ये जो अप्रूवल है ना, ये एक ऑमनिबस अप्रूवल दे देता है ऑडिट कमेटी। ऑमनिबस अप्रूवल का मतलब होता है दैट इज ए अप्रूवल दैट इज एनुअल वैलिडिटी ऑफ 1 year, ताकि पूरे साल भर कंपनी जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अंडरटेक कर रही है तो बार बार ऑडिट कमेटी के पास अप्रूवल के लिए ना जाना पड़े। अब देखना यहां पे ना एक 3 स्टार प्रोवाइजो एक साथ दिए हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको मैं एक चार्ट के थ्रू समझा रहा हूं, देखना। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर 1 CR एक्सीड नहीं कर रहा, कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी एंड द वैल्यू ऑफ दैट ट्रांजैक्शन इज नॉट एक्सीडिंग 1 CR, ठीक है,
एंड दैट इज एंटर्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑब्लिक ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी विदाउट द अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी। ठीक है, तो यहां पे दो ऑप्शन है, बोला है सबसे पहले नॉर्मली आप अप्रूवल ले लो ऑडिट कमेटी का, अगर आपने अप्रूवल नहीं लिया तो आप 3 महीने के अंदर रेटिफाई करा दो, लेकिन यहां पे ट्रांजैक्शन की वैल्यू 1 crore एक्सीड नहीं कर रही तो यहां पे कंपनी के पास दो ऑप्शन है, बोले या तो आप अप्रूवल ले लो ऑडिट कमेटी का, अप्रूवल नहीं ले पाए तो 3 महीने में रेटिफाई करा लो, लेकिन ना अप्रूवल लिया ना 3 महीने में रेटिफाई कराया तो बोला जो ट्रांजैक्शन है वॉइडेबल होगा कंपनी के ऑप्शन में, और जो भी डायरेक्टर्स ऑफिसर्स है वो पर्सनली लायबल होंगे और जो भी लॉस वगैरह हुआ है कंपनी को उसके लिए इंडेमनिफाई करेंगे। That is what they have stated. Lawmaker ने नहीं बताया कि what if the value of the transaction is 1 crore and above. लेकिन understanding ये निकल के आता है कि वहां पे rectification का option नहीं होगा, वहां पे approval लेना ही पड़ेगा, वहां पे rectification का option नहीं होगा। अगर without approval of audit committee transaction enter कर लिया तो transaction voidable है। Not exceeding 1 crore के लिए दूसरा option भी दिया हुआ है, if not ratified within 3 months, then it is voidable. And such directors officer shall be personally liable and indemnify for the loss caused. Right? एंड अगर वो ट्रांजैक्शन एंटर हुआ है बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होल्डली ऑन सबसे, तब कोई अप्रूवल नहीं चाहिए ऑडिट कमेटी का, देन नो अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी इज नीडेड। तो ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट आप नोट डाउन कर लेना, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट इट डाउन एंड यू कैन गो फॉरवर्ड। तो ये चार्ट आपको नोट डाउन करना है अपने समरी नोट्स में, आपको एडिशनली क्या करना है सर, इनकॉर्पोरेट करना है। उसके अलावा सेक्शन 177 के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जो आपको याद रखना है, जो जनरली बच्चे याद नहीं रखते, 177 के अंदर आप जब रूल 7 देखोगे, रूल 7 में कॉन्सेप्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ विजिल मैकेनिज्म। अब सेक्शन का नाम है ऑडिट कमेटी, तो नॉर्मली हम कभी ये नहीं ट्रिगर होता हमारे दिमाग में कि यार इसमें विजिल मैकेनिज्म का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो एक विजिल मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट का बात किया गया है जो कि मैंडेटरी है सारे लिस्टेड कंपनीज के लिए। हर कंपनी के लिए जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पब्लिक से, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पब्लिक से, यह हर कंपनी के लिए जो भी बोरोइंग्स ले रही है फ्रॉम बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एक्सेस ऑफ 50 crore, तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है सबके ऊपर ये विजिल मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट एकदम मैंडेटरी है। जो भी कंपनीज पब्लिक से डिपॉजिट ले रही है उनके ऊपर मैंडेटरी है, जितनी भी कंपनी है जो बोरोइंग्स ले रही है मार्केट से फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एक्सेस ऑफ 50 crore उनके ऊपर मैंडेटरी है। अब ये विजिल मैकेनिज्म का काम क्या होगा, ये विजिल मैकेनिज्म का फंक्शन क्या होगा, कि जितने भी डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज हैं उनके ग्रीवियंसेस एड्रेस करना, उनकी शिकायतें वगैरह दूर करना। हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय विजिल मैकेनिज्म का सहारा लेके, मान लो भाई मेरे अगेंस्ट हेरेसमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इन दैट केस सीनियर मैनेजमेंट में टेक यू नो एग्रेसिव एक्शन अगेंस्ट देम, तो उनको प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड एक्टर्स हु अवेल दिस फैसिलिटी, टू सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन। एक्सेप्शनल सिचुएशंस में चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी का डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करना, एंड साथ ही साथ एक्शन लेना अगेंस्ट फ्रिवलस कंप्लेंट्स, फॉल्स कंप्लेंट्स, बिकॉज हो सकता है ना यार कि एम्प्लॉय की टॉप लेवल से पट नहीं रही है और एम्प्लॉय ने जो सीनियर लेवल मैनेजमेंट उसके खिलाफ फॉल्स एक्यूजेशन लगा दिया, किसने मेरे को हैरेस किया क्योंकि उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो फॉल्स कंप्लेंट्स हो रहा था उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेना। तो ये सारा फंक्शन है विजिल मैकेनिज्म का। तो दिस इज द हिडन कॉन्सेप्ट इनसाइड सेक्शन 177 दैट यू नीड टू रिमेंबर। उसके बाद सेक्शन 178 आता है नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। एनआरसी की एप्लीकेबिलिटी सेम एज ऑडिट कमेटी, सेम एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की बात करें तो बोला गया कि जिस भी कंपनी में 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, डिपॉजिट होल्डर्स हैं या अदर सिक्योरिटी होल्डर्स हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो बीओडी को क्या करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाना होगा ताकि वो स्टेक होल्डर्स के ग्रीवेंसेस वगैरह का ध्यान रखा जा सके। और जो चेयरपर्सन होगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, जो चेयरपर्सन होगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी की बात करें, दैट शैल कंसिस्ट ऑफ 3 or more नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जिसमें से हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ऑडिट कमेटी में बोला गया था मेजोरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, यहां बोला गया कि एटलीस्ट हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। फिर एनआरसी के फंक्शंस वगैरह क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, आइडेंटिफाई द क्वालिटी पर्सनल टू बिकम डायरेक्टर, डायरेक्टर बनने के योग्य कौन है, उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना, उनके रेमुनरेशन की पॉलिसी डिसाइड करना, ये सारा एनआरसी के फंक्शंस हैं। और अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है सेक्शन 177-178 का तो पेनल्टी क्या लगेगा, इंपॉर्टेंट पेनल्टी है सर, 173 का भी पेनल्टी इंपॉर्टेंट था, 177-178 का पेनल्टी भी इंपॉर्टेंट है, एक फ्लैट पेनल्टी लगेगा कंपनी के ऊपर 5 lakh rupees, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1 lakh rupees। पुराना पहले ये फ्लैट पेनल्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, अभी इंट्रोड्यूस हुआ रिसेंटली फ्लैट पेनल्टी, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं, फ्लैट। कॉन्ट्रावेंशन हुआ 177-178 का तो कंपनी के ऊपर 5 lakh का पेनल्टी एंड ऑफिसर के ऊपर 1 lakh का पेनल्टी। तो इसलिए ये पेनल्टी भी क्या है सर, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था अगले अपने चैप्टर का सेकंड यूनिट, दैट इज द यूनिट ऑफ ऑडिट कमेटी एंड द यूनिट ऑफ नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी, दैट इज कमिटीज ऑफ द बीओडी। अब तीसरे यूनिट में जाएंगे, दैट इज द पार्ट्स ऑफ द बीओडी। तो यूनिट बाय यूनिट बहुत इजी हो जाता सर आपके लिए।
Now coming to the next unit, that is pass of the BOD, right? Section 176 to 183, excluding sections 177, 178. So 176 mein kya diya hua hai? Acts done by a person as a director shall be deemed to be valid even if it is subsequently noticed that his appointment was invalid by reason of any defect or disqualification or office was later on terminated because of any provisions of act article. मतलब director का appointment अगर defective था, director का appointment अगर defective था, मान लीजिए वो बंदा disqualified था, ineligible नहीं था to be appointed as a director, but फिर भी उसे company का director बना दिया. अब director बनने के बाद, in the capacity of director, he has done certain acts. Maybe he has purchased some stationery of the company, or maybe he has done several, you know, different kinds of acts. तो बोला गया है कि in that eventuality जो भी acts उसने करे हैं ना वो valid होगा, invalid नहीं होगा. जो भी एक्ट उसने करा है वो वैलिड होगा, इनवैलिड नहीं होगा. लेकिन जिस दिन बीओडी को पता चल गया ना कि इस बंदे का अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव था, उस दिन के बाद वो जो भी एक्ट करेगा वो इनवैलिड होगा. तो बीओडी को जिस दिन पता चला, उससे पहले उसने जो भी एक्ट कर रखे हैं वो वैलिड ही माना जाएगा, और जिस दिन बीओडी को पता चल गया डिफेक्ट के बारे में, उसके बाद वो जो भी एक्ट करेगा वो इनवैलिड होगा. दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन सेक्शन 176. 177 was audit committee, 178 was nomination remuneration committee. Then we have section 179, that is pass of the board of directors. So 179 ke andar pass diya hai BOD ke. To dekhna kuch pass na specifically BOD shareholders ke liye reserve kiya gaya. To jo pass specifically shareholders ke liye reserve kiya gaya wahan BOD interfere nahi kar sakta, but other than that normally BOD has that decision making right in the company, because BOD ko kya karna hai, company chalana hai. अब 179 सबसेक्शन 3 के अंदर लिस्ट ऑफ रेजोल्यूशंस दिए हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में पास कर सकता है. आरबीसी में पास नहीं हो सकता, बोर्ड मीटिंग में पास हो सकता है. जैसे कि आप लिस्ट देखोगे तो टू मेक कॉल्स, टू ऑथराइज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, टू इश्यू सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिबेंचर्स, टू बोरो मनी, टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, राइट. Then to approve the financial statements and the board report, to diversify the business of the company, to approve amalgamations, mergers, to take over a company. ये सारा BOD के पास है. But एक चीज याद रखना यार, 179 subsection 3 में ना सारा general pass दिया हुआ है. इसको अपने को read करना पड़ेगा with the specific pass. For example, buyback के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि BOD can buy back the shares. But section 68 is the specific section for buyback, जहाँ पे बोला गया है कि अगर बायबैक का लिमिट 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व को एक्सीड कर जाता है तो वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. 25% से ज्यादा बायबैक तो प्रोहिबिटेड है. यहां पर बोला गया कि बीओडी कैन बोरो मनी. जब सेक्शन 180 पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अगर बोरिंग इन एक्सेस ऑफ लिमिट है तो वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. तो दैट इज व्हाई यू हैव टू रीड विद द स्पेसिफिक सेक्शंस. ये सिर्फ जनरल लिस्ट ऑफ पास दिया हुआ है. अब देखना 179 सबसेक्शन 3 के अंदर जो क्लॉज डी है, क्लॉज ई है, क्लॉज एफ है, काफी इंपॉर्टेंट है. टू बोरो मनी, टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, टू ग्रांट लोन्स और गिव गारंटी. बोला गया कि ये जो पार्स है ना क्लॉजेस डी ई एफ में, इसको बीओडी डेलीगेट कर सकता है टू ए कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, ए सिंगल मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी. कि एक मैनेजर को डेलीगेट कर दिया, एक प्रिंसिपल ऑफिसर को डेलीगेट कर दिया कि आप हमारे बिहाफ में बोरिंग्स का काम करें, इन्वेस्टमेंट का काम करें. तो दैट इज व्हाट इट इज स्टेटेड. लेकिन देखना यहाँ पे जो पार्टिकुलरली पॉइंट नंबर ये है ना, टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, इसका एक ब्यूटीफुल कोरिलेशन बनता है सेक्शन 186 के साथ. जब हम सेक्शन 186 पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि अगर बीओडी कभी फंड्स वगैरह पे इन्वेस्ट करती है तो यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है बोर्ड मीटिंग के अंदर. क्या करना पड़ता है? यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. तो 179 सबसेक्शन 3 में बोला गया कि ये पार डेलीगेट किया जा सकता है टू ए सिंगल एमडी, सिंगल मैनेजर, सिंगल प्रिंसिपल ऑफिसर. और 186 में बोला गया कि यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए. तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, टकराव हो गया, बिल्कुल ऑपोजिट बातें बोल रहा है. 179 सबसेक्शन 3 अलग बोल रहा है, 186 अलग बोल रहा है. तो अब यहां पे 179 क्या है? एक जनरल सेक्शन है. और 186 क्या है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक स्पेसिफिक सेक्शन है. तो 186 का रिक्वायरमेंट 179 के रिक्वायरमेंट को ओवरराइड कर जाएगा. क्या कर जाएगा सर? ओवरराइड कर जाएगा. और यहां पे एक एमसीए नोटिफिकेशन भी है कि नॉर्मली हमने देखा कि 179 सबसेक्शन 3 में जितनी भी चीजें हैं वो आरबीसी में डिसाइड नहीं हो सकता, लेकिन क्लॉज डी से एफ तक ये जो तीन चीजें हैं ना, ये सेक्शन 8 कंपनीज के केस में ये लोग आरबीसी में भी डिसाइड कर सकते हैं, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में भी डिसाइड कर सकते हैं. अगेन रूल 8 के अंदर बोला गया कि तीन मैटर्स हैं जहां पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना मैंडेटरी है. दैट इज टू मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, टू अपॉइंट और रिमूव केएमपीज, टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर्स, सेक्रेटरियल ऑडिटर्स. उसके बाद आता है सेक्शन 180 रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पार्स ऑफ बीओडी. तो सेक्शन 179 के अंदर बीओडी के जनरल पास दे दिया और 180 में रेस्ट्रिक्शंस दे दिया. मतलब एक बार को पावर दे दिया, फिर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि बोला कि भैया ये चार चीजें हैं यहां पे जो आप ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हो. दिस आर द फोर थिंग्स दैट यू कैन डू ओनली आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग. व्हाट आर द फोर थिंग्स? पहला, टू सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी
और वेयर द कंपनी ओज मोर देन वन अंडरटेकिंग द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ एनी सच अंडरटेकिंग्स। अंडरटेकिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सिग्निफिकेंट अंडरटेकिंग का मतलब क्या हो गया, कोई भी अंडरटेकिंग जो यहाँ पे ना 20% ऑफ नेटवर्थ कंस्टिट्यूट करता है पूरी कंपनी का या 20% ऑफ इनकम जहां से जनरेट होता है। तो अगर कंपनी किसी ऐसे अंडरटेकिंग को बेचता है, राइट, सेल करता है, लीज करता है, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करता है, जहां से 20% इनकम आ रहा है या जो 20% ऑफ नेटवर्थ कंस्टिट्यूट कर रहा है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, पहले कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन रिसीव्ड बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर एमलगमेशन। कंपनी का मर्जर हुआ, एमलगमेशन हुआ दूसरी कंपनी के साथ, कंपेंसेशन मिला। अब जो कंपेंसेशन मिला उसमें मेंबर्स का हक है, तो अगर उसको ट्रस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करा यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो रिस्क नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर कैसा हो सकता है। लेकिन अगर अदर देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज कंपनी उस पैसे को लगाना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर सी काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में देखेंगे। पॉइंट नंबर डी में बोला टू रेमिट और गिफ्ट टाइम फॉर द रिपेमेंट ऑफ एनी डेब्ट ड्यू फ्रॉम अ डायरेक्टर। डायरेक्टर सबको मान लीजिए एक्सेस रेमुनरेशन दे दिया, तो एक्सेस रेमुनरेशन दे दिया तो वो डायरेक्टर से रिकवरेबल है विद इन टू ईयर्स, ऐसा अपन पढ़ते हैं आगे चल के मैनेजर रेमुनरेशन के चैप्टर में। या फिर डायरेक्टर को लोन वगैरह दे दिया, वो पैसा रिकवर करना है, तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकता कि डायरेक्टर्स को एक्सटेंडेड टाइम दे दिया या डायरेक्टर से जो पैसा मिला उसको वेव ऑफ कर दिया। ऐसा करने के लिए कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में क्या बोला है कि अगर कंपनी कभी भी क्या कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, कभी भी बोरिंग्स ले रही है, क्या कर रही है सर, बोरिंग्स ले रही है, तो अगर एग्जिस्टिंग बोरिंग्स प्लस प्रपोज्ड बोरिंग एक्सीड कर जाता है एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो इन दैट सिचुएशन एसआर पास करना पड़ेगा एंड विल नॉट बी इंक्लूडिंग द टेम्पररी लोन्स ऑब्टेन फ्रॉम द कंपनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपनीज बैंकर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। टेम्पररी लोन्स को हटा देंगे। तो प्रैक्टिकली क्या करना पड़ेगा, एग्जाम आपको कैसा क्वेश्चन देगा, एक बैलेंस शीट दे देगा, नोट्स अकाउंट्स वगैरह दे देगा, तो अपने को कंप्यूट करना पड़ेगा। स्टेप वन कंप्यूटेशन ऑफ एक्जिस्टिंग बोरिंग्स एंड प्रपोज बोरिंग्स। तो एक्जिस्टिंग बोरिंग्स वी कैन टेक फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड प्रपोज बोरिंग्स वी मे टेक फ्रॉम द नोट्स अकाउंट्स। देन स्टेप टू एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो जो भी फ्री रिजर्व है उनके एग्रीगेट ले लिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह है, कैपिटल रिजर्व वगैरह उसको एक्सक्लूड कर दिया, पेड अप शेयर कैपिटल को ले लिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम को ले लिया, फिर स्टेप वन और स्टेप टू को कंपेयर किया। अगर स्टेप वन स्टेप टू से ज्यादा है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और 180 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है कि स्पेशल रिजोल्यूशन शैल आल्सो स्पेसिफाई कि कितना टोटल अमाउंट का बोरिंग लिया जा सकता है। तो 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी दैट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरिंग, कि बोरिंग एक्सीड करा तो एसआर, और 180 सबसेक्शन 2 में बोला कि एसआर शैल आल्सो स्पेसिफाई द अपर लिमिट ऑफ बोरोइंग्स। आई बिलीव इट इज क्लियर। सेक्शन 180 इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज, सो बेसिकली पब्लिक कंपनीज के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल है, ऐसा एमसीए नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। उसके बाद भी है सेक्शन 181 से लेकर 183, तीनों चैरिटी रिलेटेड सेक्शंस हैं। 181 कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड्स। कंपनी अगर चैरिटी वगैरह करना चाहती है तो बोला गया है कि अगर यहाँ पे कंपनी जो कंट्रीब्यूट कर रही है, अगर कंट्रीब्यूशन इज अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 इयर्स, अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 इयर्स, तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके काम चल जाएगा। लेकिन इफ इट एक्सीड्स 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एसआर नहीं ओआर, क्योंकि चैरिटी है ना यार, ठीक है, तो ओआर से काम चल जाएगा। तो अगेन दे मे गिव यू द प्रॉफिटेबिलिटी, दे मे गिव यू नोट्स, यू मे नीड टू टेक द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, देन यू मे नीड टू अप्लाई 5, यू मे नीड टू कैलकुलेट एवरेज नेट प्रॉफिट, यू विल अप्लाई 5% एंड देन यू विल चेक कि वेदर द कंट्रीब्यूशन इज एक्सीडिंग 5%, इफ यस देन ओआर इज टू बी पास्ड। 182 पार्ट ऑफ बीओडी टू कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखो यार, पहले जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो बीजेपी गवर्नमेंट ने ना इस सेक्शन के अंदर एक मेजर चेंजेस कर दिए। चेंजेस क्या कर दिया, बोला कि अगर कंपनियां अकाउंट पे ही चेक डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर रही है और प्रॉपरली पीएनएल में डिस्क्लोजर दे रही है, तो वो जितना चाहे उतना पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती है विदाउट एनी लिमिट। तो अगर अकाउंट पे ही चेक डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू पेमेंट हो रहा है, प्रॉपर्ली पीएनएल में डिस्क्लोजर हो रहा है, तो दे में कंट्रीब्यूट एज मेनी अमाउंट एज दे डीम फिट टू द पॉलिटिकल पार्टीज। खाली प्रोहिबिशन किसके लिए है, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए, कि अगर गवर्नमेंट कंपनीज है तो इन दैट सिचुएशन दे आर नॉट अलाउड टू डू पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड कोई भी कंपनी जिसके एक्जिस्टेंस को 3 फाइनेंशियल ईयर्स भी नहीं हुए, तो नई कंपनी है 3 फाइनेंशियल ईयर भी आपके एक्जिस्टेंस को नहीं हुआ, तो वो लोग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। बट अदर देन दैट एनी अमाउंट मे बी कंट्रीब्यूटेड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खाली वही अकाउंट पे ही चेक डिमांड ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का कंडीशन है और प्रॉपरली पीएनएल में डिस्क्लोज होना चाहिए।
183 पार्ट्स ऑफ बीओडी एंड अदर ऑथराइज्ड पर्संस टू कंट्रीब्यूट टू नेशनल डिफेंस फंड। तो बोला गया कि भैया आप देश के डिफेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपके आप कितनी अच्छी इंटेंशन है, हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले। बीओडी इज ऑथराइज्ड टू कंट्रीब्यूट सच अमाउंट एज इट मे डिम फिट टू द नेशनल डिफेंस फंड और एनी अदर फंड, बट अगेन पीएनएल के अंदर प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा अपना पार्ट्स ऑफ बीओडी का पार्ट हो गया फ्रॉम सेक्शन 176 टू 183 एक्सक्लूडिंग अगेन 177 178। कमिटीज ऑफ द बोर्ड सेक्शन 177 178 ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया 177 178। और उसके बाद अब आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वाला यूनिट, जिसके अंदर अपने तीन सेक्शंस है, 184 है, 188 है, 189 है। 184 क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को ना एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यहां पे इंश्योर करना पड़ेगा, जितने भी डायरेक्टर्स है कंपनी के उनको बोर्ड मीटिंग अटेंड करने से पहले ना डिस्क्लोजर दे देना है कि भाई मेरी फलानी कंपनीज में इंटरेस्ट है, मेरी फलानी कंपनीज में होल्डर होल्डिंग है, मैं मेरे पास इतने 100 प्रोप्राइटरशिप्स हैं, मैं इन इन कंपनीज का डायरेक्टर हूं, मैं इन इन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं, ताकि कंपनी अगर वैसे कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है या वैसे फर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है तो पता रहेगा ना इस डायरेक्टर का इंटरेस्ट, तो अकॉर्डिंगली यू नो ही विल बी एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। कि भाई आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट है फर्म के साथ जिसके साथ अपन कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने वाले हैं, आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट है कंपनी के साथ, तो अकॉर्डिंगली आप वोट ना करें, वरना क्या होगा कि आपका एक बायस्ड वोटिंग होगा। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेक्शन। अब 184 में मेनली दो सबसेक्शन है, 184 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 टॉक्स अबाउट जनरल डिस्क्लोजर एंड सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट द स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। सबसेक्शन 1 जब भी पढ़ेंगे ना आपके दिमाग में आना चाहिए, वो पहली बार जब हम मिले सारा डिस्क्लोजर्स मैंने दे दिया। तो जो भी पहला बोर्ड मीटिंग होगा ना उसके अपॉइंटमेंट के बाद, या फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, तो जो भी पहला बोर्ड मीटिंग होगा ना डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बाद, तो वो क्या करने वाला है, एवरी डायरेक्टर वो क्या करने वाला है, सारा इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देने वाला है फॉर्म एमबीपी 1 में, कि जिस भी कंपनी में वो शेयर होल्ड करता है, जहां भी उसका शेयर होल्डिंग है, जहां भी उसका कोई इंटरेस्ट है, तो वो क्या कर देगा फॉर्म एमबीपी 1 में डिस्क्लोज कर देगा। और मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि यार फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जब अटेंड किया तो एक्स वाई जेड लिमिटेड के अंदर कोई शेयर नहीं खरीदा था, लेकिन जब अगला बोर्ड मीटिंग आया तब तक एक्स वाई जेड में शेयर होल्ड कर लिया, तो चेंज हो गया डिस्क्लोजर, चेंज आ गया वहां पे। तो जो अगला बोर्ड मीटिंग होगा वहां पे अगर कोई भी चेंज आ रहा है बीच में, उसके बारे में क्या कर देगा डायरेक्टर, डिस्क्लोज कर देगा। ये तो हो गया जनरल डिस्क्लोजर। 184 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। अब यहां पे क्या दिया हुआ है सर, यहां पे दिया हुआ है हर एक डायरेक्टर डायरेक्टली एंड डायरेक्टली क्या करेगा। मान लीजिए कंपनी कभी भी किसी ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने वाली है जिसमें कंपनी के डायरेक्टर का एदर इंडिविजुअली या फिर इन कॉम्बिनेशन विद अदर डायरेक्टर्स होल्डिंग है मोर देन 2% ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, मोर देन 2%, तो डिस्क्लोज कर देगा, बता देगा कि देखो भैया इस बॉडी कॉर्पोरेट में मेरा 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है। या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने वाला है जिसमें डायरेक्टर प्रमोटर है, मैनेजर है, सीईओ है, तो डायरेक्टर बता देगा कि इस फलाने बॉडी कॉर्पोरेट में मैं प्रमोटर हूं, मैनेजर हूं, सीईओ हूं। सिमिलरली इफ इज ए पार्टनर ऑफ ए फर्म या फिर ही इज ए ओनर ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट, या फिर इज ए मेंबर, तो इन दैट वाले सिनेरियोस वो क्या कर देगा, डिस्क्लोज कर देगा मैं फलाने कंपनी का मेंबर हूं, यू नो मैं पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर हूं। तो वो क्या कर लेगा, प्रॉपर्ली अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज कर देगा, ही विल गिव ए प्रॉपर डिस्क्लोजर। एंड वंस ही गिव्स ए प्रॉपर डिस्क्लोजर तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसको डिबेयर कर दिया जाएगा कि वो बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, वहां पे वोट नहीं करेगा। अब यहां पे एमसी नोटिफिकेशन के थ्रू एक एग्जम्पशन दिया हुआ सेक्शन 8 कंपनीज को, कि सेक्शन 8 कंपनीज के अंदर ये जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर ट्रांजैक्शन का वैल्यू 1 लाख रुपीज एक्सीड करे। क्या करे, 1 लाख रुपीज एक्सीड करे। अब 184 में एक चीज और मुझे शेयर करनी है, इसका पेनल्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेन नोट से मैं आपको पेनल्टी दिखा रहा हूं कि पेनल्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है सेक्शन का, आपको पेनल्टी याद रखना है। तो अगर यहां पे कॉन्ट्रावेंशन होता है सेक्शन 184 का, तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। अदर देन दैट सेक्शन 167 जो वैकेशन का सेक्शन था उसमें याद करो एक ग्राउंड था कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 184। तो डायरेक्टर कंसर्न डायरेक्टर हैज टू वैकेट द ऑफिस इफ ही हैज कॉन्ट्रावेंड, इफ ही हैज नॉट डिस्क्लोज्ड द इंटरेस्ट। एंड साथ ही साथ 184 का जो स्पेसिफिक पेनल्टी है वो भी लगेगा। स्पेसिफिक पेनल्टी क्या है, फ्लैट पेनल्टी है, फ्लैट पेनल्टी है, बोला लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा। सच डायरेक्टर शैल बी पनिशेबल विद 1 लाख रुपीज। तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 184, एक तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, दूसरा ऑफिस वैकेट करना पड़ जाएगा अंडर सेक्शन 167, और तीसरा 1 लाख रुपए का फ्लैट पेनल्टी लग जाएगा। क्लियर। 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये मैं आपको मेन बुक से ही दिखा रहा हूं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो देखना अगर हम लोग बात करें तो इस सेक्शन के अंदर ना मेनली आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए कि सर रिलेटेड पार्टीज आखिर होती कौन है जो सेक्शन 2 क्लॉज 76 में डिफाइंड है। दूसरा पता होना चाहिए कि व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस के अंदर आप देखोगे यार ऑल द ट्रांजैक्शंस, सेल, परचेज, लीज, सर्विस, ये तो कॉमन ट्रांजैक्शन जो डे टू डे लाइफ में अपन हियर करते हैं, ये सारा आ जाएगा।
अपार्ट फ्रॉम दैट सम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन जिसका शायद आपको जिक्र दिमाग में ना आए, जैसे अंडरराइटिंग या फिर डायरेक्टर को हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दे दिया, तो ये दो स्पेसिफिक पॉइंट है। तो ये सारा क्या हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया। अब हर ट्रांजेक्शन का एक लिमिट दिया हुआ है, अगर कंपनी रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजेक्शन अंडरटेक करती है अप टू द गिवन लिमिट, तो वहां पे बोर्ड रिजोल्यूशन ऑडिट कमिटी अप्रूवल लेकर काम चल जाएगा। और अगर कंपनी वहां पे ये जो ट्रांजेक्शन अंडरटेक करती है रिलेटेड पार्टीज के साथ दैट इज एक्सीडिंग द लिमिट, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। तो एक हो गया अप्रूवल वाला पार्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। और चौथा एक्सेप्शन, कि सेक्शन के अंदर क्या क्या एक्सेप्शन है, क्या क्या एक्सेप्शन है। किसी भी टफ सेक्शन के अंदर हमेशा ना इजी से टफनेस की तरफ मूव करना चाहिए, चीजें आसान होती हैं। तो सबसे पहले अप्रूवल्स, कि कंपनी अगर कभी भी अपने रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजेक्शन एंटर करती है तो अप्रूवल कौन कौन सा चाहिए भैया, पहले तो नोटिस दे दो बोर्ड मीटिंग का, बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर दो बोर्ड मीटिंग में। दूसरा अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल ले लो। और तीसरा अगर लिमिट एक्सीड हो रहा है, थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो रहा है, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर दो। एसआर का रिक्वायरमेंट पहले हुआ करता था, हटा दिया, क्योंकि देखा गया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमन नाउअडेज एंड ऑलरेडी ऑडिट कमेटी का अप्रूवल तो लिया ही जा रहा है, तो एसआर के रिक्वायरमेंट को हटा दिया, ओआर की रिक्वायरमेंट लॉ मेकर ने इंट्रोड्यूस कर दी। देन ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से हैं और ट्रांजेक्शन्स की लिमिट्स कौन कौन सी है, तो आप देखोगे द कॉमन ट्रांजेक्शन, सेल परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स मटेरियल, सेलिंग डिस्पोजिंग बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, गिविंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, रेंटिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, ये तो चार कॉमन पॉइंट हो गया। उसके अलावा दो स्पेसिफिक क्या हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी टू एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर अंडर राइटिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द कंपनी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो गया कि एक बंदा क्योंकि कंपनी का डायरेक्टर है उसको अपने कंपनी में कोई एडिशनल पोस्ट दे दिया विद रेमुनरेशन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो कंपनी का डायरेक्टर है। अब इन सबका लिमिट आसान है बहुत, याद करना लिमिट क्या दिया हुआ है। आप ये याद रखो नॉर्मली हर जगह दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर। क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर। लेकिन लॉजिकल सी बात बताओ यार, अगर प्रॉपर्टी खरीदा बेचा तो उसका इंपैक्ट टर्नओवर में नहीं आएगा, नॉर्मली नेटवर्थ में आएगा। तो प्रॉपर्टी वाले पॉइंट में बोल दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ नेटवर्थ, वरना हर जगह चाहे सेलिंग का पॉइंट हो, चाहे लीजिंग का पॉइंट हो, चाहे सर्विस का पॉइंट हो, हर जगह बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर। क्लियर है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में मंथली बेसिस में बोला कि अगर आपने किसी डायरेक्टर को रिलेटेड पार्टी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दिया, कोई एक्स्ट्रा पोस्ट दिया कंपनी में या सबसी में या एसोसिएट में, और 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का रेमुनरेशन पे कर दिया मंथली, तो ओआर पास करना होगा। तो वहां पे लिमिट है 2.50 लाख रुपए पर मंथ। और अंडर राइटिंग सब्सक्रिप्शन वाले केस में बोला 1% ऑफ नेटवर्थ, 1% ऑफ नेटवर्थ। तो अकॉर्डिंगली अगर कोई भी सेल परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स मेटेरियल का ट्रांजेक्शन अगर कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट कैसे भी करता है, और वो जो लिमिट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर है, तो ओआर भी पास करना होगा जनरल मीटिंग में। सिमिलरली सेलिंग डिस्पोजिंग बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी वाले पॉइंट में अगर वो लिमिट ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ नेटवर्थ एक्सिट कर रही है, ओआर भी पास करना होगा जनरल मीटिंग। लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी में ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर। एवलिंग रेंटिंग ऑफ सर्विस में ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर। अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी में अगर 2.5 लाख से ज्यादा का मंथली रेमुनरेशन पे कर रहा है और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दिया है, तब वहां पे ओवर पास करना पड़ेगा। एंड अंडर राइटिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द डेरिवेटिव्स में अगर सब्सक्रिप्शन के अमाउंट 1% ऑफ नेटवर्थ से ज्यादा है, तब ओवर पास करना पड़ेगा। राइट उसके बाद रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी हैं? तो रिलेटेड पार्टीज जो सेक्शन 2 क्लॉज 76 में डिफाइंड है, आप इसमें सिंपल से एक लॉजिक याद रखो यार, आपका ये सेक्शन बहुत सिंपल हो जाएगा, डेफिनेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। तीन पॉइंट ना रिलेटेड पार्टीज में, तीन जो पॉइंट कवर्ड है यहाँ पे इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में? इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में। एक पॉइंट फर्म के रिस्पेक्ट में है, एक पॉइंट प्राइवेट कंपनी के रिस्पेक्ट में है, एक पॉइंट पब्लिक कंपनी के रिस्पेक्ट में है। तो तीन पॉइंट इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में है, एक पॉइंट फर्म के रिस्पेक्ट में है, एक पॉइंट प्राइवेट कंपनी के रिस्पेक्ट में है, एक पॉइंट पब्लिक कंपनी के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में? पब्लिक कंपनी के रिस्पेक्ट में है। क्लियर है। एक पॉइंट आप याद रख सकते हो बॉडी कॉर्पोरेट के रिस्पेक्ट में है। तो इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में क्या क्या है? कंपनी का डायरेक्टर कंपनी का रिलेटिव, ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये कंपनी के लिए उनके रिलेटेड पार्टीज हैं। सिमिलरली कंपनी के केएमपीज कंपनी के रिलेटिव्स, तो ये भी क्या है कि कंपनी के लिए उनके रिलेटेड पार्टीज हैं। एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ए डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम्ड टू एक्ट। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कहने को ऑफिशियली कंपनी का रिलेटेड पार्टी नहीं दिख रहा बट जिसके एडवाइस डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस में कंपनी के मैनेजर्स डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, तो वो जो व्यक्ति है वो भी कंपनी का रिलेटेड पार्टी है। तो तीन पॉइंट इंडिविजुअल वाला हो गया। उसके बाद देखोगे एक पॉइंट फर्म वाला हो गया। तो कोई भी फर्म जिसमें हमारे कंपनी का डायरेक्टर मैनेजर या फिर उनका रिलेटिव पार्टनर है, अब ऑब्वियस सा चीज़ है ना यार, फर्म में तो पार्टनर ही होगा, तो वो जो फर्म है वो भी कंपनी का रिलेटेड पार्टी हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला, एक पॉइंट प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड है।
तो प्राइवेट कंपनी का एक पॉइंट है, ए प्राइवेट कंपनी इन विच ए डायरेक्टर और मैनेजर और हिज रिलेटिव इज ए मेंबर और डायरेक्टर। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी है वहां पार्टनर तो होगा नहीं, जिसमें हमारा डायरेक्टर या मैनेजर या उनका रिलेटिव या तो मेंबर है या डायरेक्टर है, तो वो जो प्राइवेट कंपनी है वो भी कंपनी की रिलेटेड पार्टी हो गई। उसके बाद अब देखोगे बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड दो पॉइंट मिल जाएगा आपको। बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड, एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बीओडी मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए डायरेक्टर और मैनेजर। तो कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट है जो हमारे डायरेक्टर मैनेजर के इशारों में काम करता है, वो दूसरा जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो भी हमारा रिलेटेड पार्टी हो गया। या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि होल्डिंग है सबसे एसोसिएट है कंपनी का, तो वो जो दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट जो होल्डिंग है सबसी एसोसिएट है वो रिलेटेड पार्टी हो गया, या सबसी ऑफ होल्डिंग में रिलेटेड पार्टी हो गया टू विच इट इज ऑल्सो सबसी, या कोई इन्वेस्टिंग कंपनी है या वेंचरर है तो वो भी रिलेटेड पार्टी हो गया। तो आप देखोगे भाई बॉडी कॉर्पोरेट से रिस्पेक्ट में दो पॉइंट हो गया, तीन पॉइंट इंडिविजुअल से रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड एक, प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड एक, पब्लिक कंपनी से रिलेटेड एक। अब आप कंबाइंड रीडिंग कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ ट्रांजैक्शन अंडरटेक करा जो कि कंपनी की एसोसिएट है, यानी रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में आता है। अगर वो ट्रांजैक्शन सेल परचेज सप्लाई ऑफ गुड सर्विस मेटल्स का है और वो जो ट्रांजैक्शन का लिमिट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर है, तो बोर्ड रिजोल्यूशन भी पास करना है, ऑडिट कमेटी अप्रूवल भी लेना है, ओआर भी पास करना है। इस तरीके से मैं सारे पॉइंट्स के साथ कंबाइंड रीडिंग कर सकता हूं, तो एवरी पॉइंट विद दिस पॉइंट आई कैन डू द कंबाइंड रीडिंग। तो एक साथ क्या हो जाएगा कि मल्टीपल चीजें हम साथ में रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद क्लैरिफिकेशंस दिया हुआ है, द अबव लिमिट्स शैल अप्लाई फॉर ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शंस टू बी एंटर्ड इनटू एदर इंडिविजुअली और टेकन टुगेदर विद द प्रीवियस ट्रांजैक्शंस। तो पूरे साल भर में अगर चार ट्रांजैक्शंस हैं तो चारों का मिलाकर देखना कि ये लिमिट एक्सीड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जो भी टर्नओवर नेट वर्थ है इसको देखा जाएगा, कंप्यूट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। अगर एक होल्डिंग और सबसी है तो जो रिजोल्यूशन होल्डिंग कंपनी पास कर रहा है वो सफिशियंट है फॉर द पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शंस विद द होली ऑन सबसी, होली ऑन सबसी को अपने वहां पे अलग से रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। वेयर एन इंटरेस्टेड एक्टर इज इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद अ रिलेटेड पार्टी सच डायरेक्टर शैल नॉट बी प्रेजेंट एट द मीटिंग ड्यूरिंग डिस्कशंस ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिजोल्यूशन। अगर कोई भी इंटरेस्टेड एक्टर है वहां पे तो वो प्रेजेंट नहीं रहेगा एट द मीटिंग्स ड्यूरिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्कशन। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट नो मेंबर ऑफ द कंपनी शैल वोट ऑन सच रिजोल्यूशन टू अप्रूव एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विच मे बी एंटर्ड इनटू बाय अ कंपनी इफ सच मेंबर इज अ रिलेटेड पार्टी। उसके बाद यहां पे कुछ एक्सक्लूजन्स हैं कि ये सेक्शन कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बोला गया फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 यानी ओवर वाला जो पॉइंट है इज नॉट एप्लीकेबल अगर एक गवर्नमेंट कंपनी एंटर कर रही है कोई कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट विद अनदर गवर्नमेंट कंपनी और विद सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, या फिर अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी अगर प्रायर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट लिया हुआ है या फिर मिनिस्ट्री लिया हुआ है, प्रायर अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट लिया हुआ है, तो ये एक एक्सक्लूजन है। उसके अलावा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एंटर हो रहा है रिलेटेड पार्टीज के साथ तब जहां जाकर यहां रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, तब जाकर ये रिक्वायरमेंट यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 188 इज नॉट एप्लीकेबल इफ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट एप्लीकेबल वेयर ट्रांजैक्शन इज अराइजिंग आउट ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और एमलगमेशन। राइट, अगर ट्रांजैक्शन होल्डिंग और सब्सिडी के साथ है, अगर ट्रांजैक्शन 100% सब्सिडरी कंपनी के साथ है तो वहां पे ओआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मान लीजिए लेट अस से ओआर पास करना था या बोर्ड रिजोल्यूशन लेना था या ऑडिट कमिटी अप्रूवल लेना था, नहीं पास किया, अप्रूवल नहीं लिया और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अंडरटेक कर लिया, तो 3 महीने के अंदर एक ऑप्शन है कि आप रेटिफाई करा लीजिए उस चीज को। अगर रेटिफाई नहीं कराया तब जाकर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। और जो पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन है सेक्शन का वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि एक मेजर सेक्शन है तो आप देखोगे यहाँ पे पेनल्टी का अमाउंट मोटा है। बोला लिस्टेड कंपनी है तो सीधा 25 लाख का पेनल्टी लगेगा और अदर कंपनी है तो सीधा 5 लाख का पेनल्टी लगेगा। तो जो भी डायरेक्टर्स है ऑफिसर्स है कंपनी के जिन्होंने ऑथराइज किया था उस ट्रांजैक्शन को उस अरेंजमेंट को इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 188, तो अगर लिस्टेड कंपनी का मामला है तो सीधा 25 लाख रुपीज का पेनल्टी और अदर कंपनी का मामला है तो सीधा 5 लाख रुपीज का पेनल्टी। तो इट्स अ वेरी हैवी पेनल्टी, इतना हैवी पेनल्टी आपने नहीं देखा अभी तक। एंड 189 रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। तो कंपनीज को अगेन एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है फॉर्म MBP 4 में फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट दैट आर एंटर्ड इनटू 184 सबसेक्शन 2 और 188। जितने भी डिस्क्लोजर्स दिए थे वो भी सारे रजिस्टर का पार्ट होंगे और रजिस्टर जो है हमेशा इंस्पेक्शन के लिए कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा रहेगा, हर AGM में मीटिंग में एक्सेसिबल रहेगा, बट अगेन एग्जाम के लिए ज्यादा काम का नहीं है। 188 को ना 164 के साथ भी कोरिलेट करना, बिकॉज 164 सबसेक्शन 1 के क्लॉज डी में लिखा गया था कि अगर वहां पे डायरेक्टर ने 188 का कॉन्ट्रावेंशन करा है पिछले 5 सालों में तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा।
तो वो 164 का जो एक रेलिवेंट पॉइंट था उसके साथ अपने को कोरिलेट करना पड़ेगा। 177 के अंदर भी अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी का जो पार्ट था जहां दिया गया था अप्रूव रिलेटेड पार्टीज उसके साथ कोरिलेट करना है, क्योंकि ऑडिट कमिटी का अप्रूवल चाहिए टू अंडरटेक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ये बात सेक्शन 188 में कहीं नहीं दिया, ये 177 में दिया है एंड दैट रिक्वायरमेंट हैज कम फ्रॉम 177। सो अगेन दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर अलोंग। तो ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट था पूरे चैप्टर का, दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस 184, 188, 189। अब देखना अपन आते हैं अगले यूनिट में, दैट इज लोन्स इन्वेस्टमेंट, राइट। तो सेक्शन 185, 186, 187। 185 क्या बोला हुआ है, लोन टू डायरेक्टर्स। तो नॉर्मल रूल ये है कि भाई कंपनी अपने डायरेक्टर को ना लोन नहीं दे सकता, या फिर होल्डिंग सब्सिडी के डायरेक्टर वगैरह को लोन नहीं दे सकता, या फिर मान लीजिए बैंक वगैरह लोन दे रही है डायरेक्टर्स को तो डायरेक्टर्स के बिहाफ में गारंटी इश्यू नहीं कर सकता। दैट इज द जनरल रूल, बट अगेन देर आर एक्सेप्शंस। तो क्या दिया एक्जैक्टली सेक्शन 185 में देखते हैं। There are two restrictions in section 185. Two restrictions है, दो absolute prohibition वाले situations हैं कि कब कब कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे ही नहीं सकता। टू एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन दिया हुआ है यहाँ पे। बोला पहला, एक कंपनी कैन नॉट गिव लोन डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स और डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी और एनी पार्टनर और रिलेटिव ऑफ एनी सच डायरेक्टर और एनी फर्म इन विच सच रिलेटिव और डायरेक्टर और रिलेटिव इज ए पार्टनर। तो कंपनी किसको लोन नहीं दे सकता, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, अपने डायरेक्टर्स को नहीं दे सकता, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को नहीं दे सकता और एनी पार्टनर और रिलेटिव ऑफ एनी डायरेक्टर, डायरेक्टर के पार्टनर रिलेटिव को नहीं दे सकता, या कोई भी ऐसा फर्म जिसमें डायरेक्टर या डायरेक्टर का रिलेटिव पार्टनर है वैसे फर्म को नहीं दे सकता। सिमिलरली बोला गया कि इनके बिहाफ में गारंटी भी इशू नहीं कर सकता। एक कंपनी कैन नॉट गिव गारंटी और सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए लोन गिवन बाय एनी अदर पर्सन टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स और एनी डायरेक्टर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी और पार्टनर और रिलेटिव ऑफ एनी डायरेक्टर और एनी फर्म इन विद सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज ए पार्टनर। तो चार कॉमन लिस्ट है, खुद का डायरेक्टर, होल्डिंग का डायरेक्टर, पार्टनर रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर या कोई भी फर्म जिसमें सच डायरेक्टर का रिलेटिव, जिसमें सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज ए पार्टनर। तो ये चार जगह प्लान ना लोन दे सकते हो, और अगर ये कहीं और से लोन ले रहे हैं तो आप इनके लिए गारंटी भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, एक कंपनी में एडवांस एनी लोन और गिव एनी गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद लोन टेकन बाय एनी पर्सन इन हुम एनी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। एक एक्सप्रेशन डिफाइन कर दिया, एनी पर्सन इन हुम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। एनी पर्सन इन हुम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड के अंदर आप देखोगे कि तीन लोगों को शामिल किया। तो बोला कि अगर वो लोग इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, एनी पर्सन इन हुम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड, तो वहां पे लोन दिया जा सकता है, गारंटी इशू किया जा सकता है अगर दो शर्तें सेटिस्फाई हो जाए। पहला शर्त, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग, मेंबर्स के अप्रूवल चाहिए मालिकों का। और दूसरा, जो बोरिंग कंपनी है वो लोन्स को यूटिलाइज करेगी अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए। तो जो बोरिंग कंपनी है वो लोन्स को यूटिलाइज करेगी अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए। तो जनरल मीटिंग में असर पास हो जाए और अगर बोरिंग कंपनी अंडरटेक कर दे कि भैया जो बोरिंग अमाउंट है उसको यूटिलाइज करने वाले हैं प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए, तो यहां पे कंपनी लोन दे सकती है डायरेक्टर्स को, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। किसको? एनी पर्सन इन हुम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। अब हु कम्स अंडर दिस कैटेगरी, एनी पर्सन इन हुम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। यहां पे याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट है, बॉडी कॉर्पोरेट के रिस्पेक्ट में दो पॉइंट है। रिलेटेड पार्टीज का जो डेफिनेशन था वो तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, इंडिविजुअल्स के रिस्पेक्ट में तीन था, प्राइवेट कंपनी के रिस्पेक्ट में एक था, बॉडी कॉर्पोरेट के रिस्पेक्ट में दो थे। यहां सिंपल है, प्राइवेट कंपनी के रिस्पेक्ट में एक, बॉडी कॉर्पोरेट के रिस्पेक्ट में दो। एनी प्राइवेट कंपनी ऑफ विच एनी सच डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और मेंबर। तो भाई कोई दूसरा प्राइवेट कंपनी है जिसमें मेरा डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर है या मेंबर, बस उतना रिश्ता है, तो उस प्राइवेट कंपनी को लोन दिया जा सकता है, उसके बिहाफ में गारंटी इशू किया जा सकता है अगर ऐसा पास कर लिया जाए जनरल मीटिंग में, और वो जो प्राइवेट कंपनी है वो अंडरटेकिंग दे दे कि वो जो बोरिंग का पैसा है हम सिर्फ प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में यूज करेंगे। दूसरा, एट एनी बॉडी कॉर्पोरेट एट ए जनरल मीटिंग ऑफ विच नॉट लेस देन 25% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर मे बी एक्सरसाइज और कंट्रोल्ड बाय सच डायरेक्टर। तो कोई ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट है जिसमें हमारे डायरेक्टर्स का एटलीस्ट 25% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, तो वो जो बॉडी कॉर्पोरेट है क्या माना जाएगा कि उसमें हमारे डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, क्योंकि 25% ऑफ वोटिंग पावर हमारे डायरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं, होल्ड करते हैं, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट में हमारे डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट है। डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट है फिर भी कंपनी चाहे तो वैसे बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे सकती है, उनके बिहाफ में गारंटी शो कर सकती है, अगेन इफ दिस टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। एंड तीसरा, एनी बॉडी कॉर्पोरेट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एमडीज और मैनेजर्स वेयर ऑफ इज accustomed टू एक्ट इन accordance विद द directions और instructions ऑफ द बीओडी और एनी डायरेक्टर और डायरेक्टर्स ऑफ द लैंडिंग कंपनी। तो अगर ऐसा है कि भाई कोई ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके बीओडी मैनेजर्स
बीओडीज एमडीज मैनेजर्स लैंडिंग कंपनी के डायरेक्टर्स के इशारों के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो वो बॉडी कॉपरेट भी क्या है, माना जाएगा कि उनमें हमारे डायरेक्टर का इंटरेस्ट है। दे विल फॉल अंडर द एक्सप्रेशन एनी पर्सन इन होम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। और वैसे बॉडी कॉपरेट को भी लोन दिया जा सकता है अगर ये दो शर्तें सेटिस्फाई हो जाए। क्लियर है? उसके बाद कुछ लोन्स एडवांसेस है जो परव्यू ऑफ सेक्शन में फॉल ही नहीं करते। बोला अगर एमडी डब्ल्यूटीडी को लोन दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर को लोन दिया अंडर अ स्कीम अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, या फिर दैट फैसिलिटी ऑफ लोन इज अवेलेबल टू ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, तो वहां पे दिया जा सकता है, सेक्शन 185 वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर बाय ए कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वेयर इंटरेस्ट रेट चार्ज इज नॉट लेस देन द रेट फिक्स बाय द आरबीआई, तो कंपनी को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम ही लोन देना है, कंपनी अपने एमडीज डब्ल्यूटीडीज को भी लोन दे रही है और जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है वो आरबीआई के रेट से कम नहीं है, यानी फेवर नहीं दे रहा, तो वहां पे अलाउड है, सेक्शन 185 एप्लीकेबल नहीं होगा। होल्ली ऑन सब्सी के केस में सेक्शन एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है कि अगर होल्ली ऑन सब्सी है तो चाहे होल्ली ऑन सब्सी को लोन दिया है या उनके बिहाफ में गारंटीज इशू करा या सिक्योरिटीज इशू करा, सारे चीज में एग्जम्पशन मिला हुआ है। लेकिन सब्सी अगर खाली एक नॉर्मल सब्सिडरी है तो सब्सिडरी के बिहाफ में ना होल्डिंग कंपनी गारंटी दे सकता है, डायरेक्टली लोन नहीं दे सकता। होल्ली ऑन सब्सी के लिए सब कुछ माफ है, लोन गारंटी सिक्योरिटी सब माफ है, लेकिन सब्सी के लिए सिर्फ गारंटी माफ है, बाकी चीज माफ नहीं है। गारंटी माफ है, सिक्योरिटी माफ है, लोन माफ नहीं है। तो अगर एग्जम्पशन की बात करें टू द सब्सी फ्रॉम सेक्शन 185, तो होल्ली ऑन सब्सी है तो लोन भी माफ है, गारंटी सिक्योरिटी भी माफ है, सब्सी है तो सिर्फ लोन माफ है, गारंटी सिक्योरिटी माफ नहीं है। उसके अलावा एडिशनली बोला गया है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 185 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू ए प्राइवेट कंपनी। कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर सेक्शन 185 एप्लीकेबल नहीं होगा जो प्राइवेट कंपनी तीन शर्तें पूरी करे, थ्री कंडीशंस। व्हाट आर द थ्री कंडीशंस? पहली शर्त, उस प्राइवेट कंपनी के शेयर कैपिटल में किसी भी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट ने पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रखा है। उस प्राइवेट कंपनी के शेयर कैपिटल में किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट ने पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रखा है। एंड दूसरी शर्त, borrowings of such a company from banks or financial institutions or body corporate is less than twice of paid up share capital of 50 crore rupees whichever is less। वो जो private company का borrowing है from banks, financial institution, body corporate, वो twice of paid up share capital से कम है या फिर 50 crore whichever is less। ये दूसरी शर्त है, simultaneously comply करना होगा। and तीसरी शर्त, such a private company which has made no default in repayment of such borrowings subsisting at the time of मेकिंग ट्रांजेक्शन अंडर दिस सेक्शन, तो उस कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं कर रखा है इन रिपेमेंट ऑफ एनी सच बोरिंग जो उस टाइम सब्सिस्टिंग था। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी ये तीनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई कर दे, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर दे, शेयर कैपिटल वाला, बोरिंग वाला, डिफॉल्ट वाला, शेयर कैपिटल वाला, बोरिंग वाला, डिफॉल्ट वाला, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी सेक्शन 185 से एग्जम्पशन मिल जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल है जब लोन दिया जा रहा है, एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग द लोन। एनी चेंज इन सर्कमस्टेंसेस देयर आफ्टर विल नॉट मेक द सेक्शन एप्लीकेबल। तो दिस इज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्लानिंग ऑफ द सेक्शन। उसके बाद सेक्शन 186 की बात करें, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। तो एक तो सेक्शन के अंदर बोला हुआ यार कि कोई भी कंपनी ना टू लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी के बियॉन्ड जाकर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, टू लेयर्स ऑफ सब्सी के बियॉन्ड जाकर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, राइट? उसके इन्वेस्टमेंट का जो लेयर्स है वो दो लेयर के बियॉन्ड नहीं हो सकता। तो सेक्शन के अंदर बोला हुआ है, ए कंपनी शैल नॉट मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू मोर देन टू लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसका क्या मतलब हो गया? एक कंपनी ने अपने सब्सी में इन्वेस्ट किया, सब्सी के थ्रू दूसरे सब्सी में इन्वेस्ट किया, तो फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा पॉसिबल नहीं है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा पॉसिबल नहीं है, वो दो लेयर्स तक ही सीमित है, राइट? लेकिन अगर कंपनी एक्वायर कर रही है दूसरे कंपनी को जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है वहां ये टू लेयर्स का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वहां पे एक्विजिशन किया जा सकता है, तो वहां पे एक्विजिशन पूरा किया जा सकता है या रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ को मीट करने के लिए एक्विजिशन किया जा सकता है। उसके अलावा सेक्शन 186 के अंदर बोला गया है कि अगर कंपनी कभी भी क्या करती है सर, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स इन्वेस्टमेंट करती है, लोन्स देती है, गारंटीज वगैरह यू नो इशू करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टमेंट करती है दूसरे कंपनीज के ऊपर, सेक्शन 185 एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। सेक्शन 185 के जो लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहे, बाकी कंपनीज की बात कर रहे। तो वहां अगर लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आता है, तो एक तो बोला गया सर यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग के अंदर। तो हमने 179 सबसेक्शन 3 के केस में क्लॉज ई के साथ एक कॉन्ट्रडिक्शन भी देखा था। तो एक तो यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, दूसरा ना कुछ यहां पर लिमिट दिया गया, बोला गया है कि अगर वो जो इन्वेस्टमेंट का लिमिट है, अगर वो जो इन्वेस्टमेंट का लिमिट है वो एक्सीड कर जाता है, एक्सीड कर जाता है कितना, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम विच एवर इज हायर, तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। तो यूनानिमस रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में चाहिए ही चाहिए। दूसरा कंडीशन है
कि अगर यहाँ पे लिमिट्स क्रॉस कर जाती है कितना, पेड ऑफ शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एक्विटी प्रीमियम का एग्रीगेट ले लीजिए 60% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसको कंपेयर कर दी, कंपेयर करिए फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम का एग्रीगेट लीजिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम को मत लीजिए और 100% से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों में से विच एवरेज हायर लीजिए, तो दोनों में से विच एवरेज हायर ले लिया। अब आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको इस लिमिट से कंपेयर कर लीजिए जो कंपेयर करने के बाद मिला है, तो अगर आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो इस लिमिट से ज्यादा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। लेकिन अगेन होली ऑन सब्सिडी वगैरह को यहाँ पे एग्जम्पशन दिया हुआ है, होली ऑन सब्सिडी वगैरह को एग्जम्पशन दिया हुआ है, क्लियर है। और यहाँ पे साथ ही साथ बोला हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पीएफआई है, पीएफआई है, और पीएफआई से कंपनी ने लोन लिया हुआ है और वहां पे डिफॉल्ट है, देयर इज अ सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द इन्वेस्टमेंट और गिविंग द लोन, तो पीएफआई का भी अप्रूवल चाहिएगा। तो अगर टर्म लोन सब्सिस्टिंग है पीएफआई का तो पीएफआई का भी अप्रूवल चाहिएगा। अब पीएफआई कौन है ये भी बताना चाहिए, है ना, कि पीएफआई कौन है, हु इज द पीएफआई। तब देखोगे एलआईसी पीएफआई के डेफिनेशन में आता है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीएफआई के डेफिनेशन में आता है, ये सारे पीएफआई के डेफिनेशन में आते हैं। तो पीएफआई का डेफिनेशन दिया हुआ सेक्शन 2 क्लॉज 72 के अंदर, पता होना चाहिए हु आर पीएफआई। देन आईडीएफसी भी पीएफआई के डेफिनेशन में आता है, राइट, तो पता होना चाहिए कि पीएफआई कौन है, बिकॉज एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट सबसिस्टिंग है, डिफॉल्ट सबसिस्टिंग है किसका, लेट अस से उसने एग्जाम के अंदर दे दिया कि भैया डिफॉल्ट सबसिस्टिंग है लेट अस से एचडीएफसी बैंक का, तो एचडीएफसी बैंक का सबसिस्टिंग है तो एचडीएफसी बैंक का अप्रूवल नहीं चाहिएगा, बिकॉज दैट इज नॉट ए पीएफआई, तो दैट इज समथिंग यू नीड टू नो। उसके बाद एक्सेप्शंस दिया हुआ सेक्शन 186 का, राइट, एक्सेम्पशंस दिया हुआ है कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, हाउसिंग कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उनका काम ही इन्वेस्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज करना ही कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट करना ही उसका काम है, तो सेक्शन 186 वहां पे नहीं लगेगा। होली ऑन सब्सिस के केस में सेक्शन 186 नहीं लगेगा, एनबीएफसी वगैरह के केस में सेक्शन 186 नहीं लगेगा, राइट शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ तो 186 नहीं लगेगा। तो इस तरीके से 186 से काफी सारे एक्सेम्पशंस दे दिया है ना, क्या कर दिया, काफी सारे एक्सेम्पशंस दे दिया। फर्दर जो टू लेयर्स ऑफ सब्सिडियरी वाला पॉइंट था, बैंकिंग कंपनीज हो गई, एनबीएफसीज हो गई, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई, गवर्नमेंट्स कंपनीज हो गई, दे कैन मेक इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड द टू लेयर्स ऑफ सब्सिडी, तो बैंकिंग कंपनीज को एग्जम्पशन दे दिया, एनबीएफसी को एग्जम्पशन दे दिया, इन्वेस्टमेंट कंपनीज को एग्जम्पशन दे दिया, गवर्नमेंट कंपनीज को एग्जम्पशन दे दिया कि ये दो लेयर्स ऑफ सब्सिडी के बियॉन्ड भी जाकर क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। नो लोन शैल बी गिवन अंडर दिस सेक्शन एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर देन प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ 1 year, 3 year, 5 year, 10 year गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लोजेस्ट टू द 10 year ऑफ द लोन। If a company give loans to its employees in accordance with condition of service and as per the remuneration policy of company, तो section 186 applicable नहीं होगा। MCA clarification के द्वारा इसे इसको clear किया गया था। Delegation of powers exercisable under 179 subsection 3 clause E can be done to MD, manager, principal officer. However, section 186 specifically provides that unanimous resolution must be passed and in this very scenario the specific section overrides the general section. So accordingly that will prevail. Every company giving loans, investment, security guarantee shall maintain register in form MBP2 जो कि registered office में रखा जाएगा, जो कि inspection के लिए available रहेगा। तो ये सारा conditions यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारा conditions क्या सर यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। Section 187 investment of company to be held in its own name, ज्यादा काम का तो नहीं है, नॉर्मल जनरल रूल है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगा वो सब अपने नाम पे करेगा, बट यहाँ पे ना चार एक्सेप्शन दिया हुआ है दैट यू कैन जस्ट वंस गो थ्रू, कि चार ऐसे एक्सेप्शन है जहां पे अगेन देर में बी अ डिविएशन कि कंपनी अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, बट स्टिल देर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द सेक्शन, स्टिल देर इज नो वायलेशन ऑफ द सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर हमेशा होता है कि कंपनी सिर्फ वहां पे क्या होती है, बेनिफिशियल ओनर होती है, तो देयर कॉन्ट्रावेंशन इज नॉट देयर, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी जो है डिपॉजिट कर देती है या ट्रांसफर कर देती है या होल्ड करती है इन द नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और शेड्यूल्ड बैंक बीइंग द बैंकर्स ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू फैसिलिट द ट्रांसफर। तो इन दैट सिचुएशन माना जाएगा कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, बट रिक्वायर्ड टू अगेन होल्ड द सिक्योरिटीज विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, राइट। एक कंपनी में डिपॉजिट विथ और ट्रांसफर टू एनी पर्सन एनी शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ सिक्योरिटी फॉर द रिपेमेंट ऑफ एनी लोन एडवांस टू द कंपनी और द परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑब्लिगेशन अंडरटेकन बाय इट, तो यहां भी सेक्शन का एग्जम्पशन है, कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन दिया हुआ है बट एज सच उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम के लिए, 187 का पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, बट ध्यान रख लेना क्योंकि फ्लैट पेनल्टी है यहाँ भी, कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपए, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000 रुपए, तो अमेंड हुआ था तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, वैसे अमेंड इंपॉर्टेंट नहीं है बट अमेंड हुआ था पेनल्टी रिसेंटली इसलिए इंपॉर्टेंट है, कंपनी के ऊपर 5 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000, बट 188 का पेनल्टी वॉज मोर इंपॉर्टेंट, 188 का पेनल्टी वॉज मोर इंपॉर्टेंट, 187 के चांसेस कम है कंपेरेटिवली, 188 का ज्यादा है। फिर रेसिडुअल सेक्शंस आते हैं हमारे, तो रेसिडुअल सेक्शंस आप देखोगे 190, 191,
आप गो थ्रू कर लेना, काम का नहीं है। 194, 195 अपने सिलेबस में ही नहीं है, कंपनीज एक्ट में ही नहीं है, ओमिटेड है, राइट। तो बचता है खाली 192, रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स। तो यहां पे बोला गया कि कंपनी कभी भी अपने डायरेक्टर्स के साथ या होल्डिंग के डायरेक्टर के साथ या सबसी के डायरेक्टर के साथ या एसोसिएट के डायरेक्टर के साथ अगर नॉन कैश ट्रांजेक्शन एंटर करती है, नॉन कैश, कंपनी डायरेक्टर को शेयर दिया, मान लीजिए शेयर ने बदले में डायरेक्टर्स को कंपनी को अपना कार दे दिया, तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो गया, तो वहां पे एसेट का वैल्यूएशन निकालना जरूरी है। तो सेक्शन बोलता है कि ऐसा कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन एंटर हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, आपको जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और जनरल मीटिंग में जब आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करोगे, उससे पहले आप जब नोटिस भेजोगे मेंबर्स को, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर, जो सेक्शन 247 में रजिस्टर्ड वैल्यूअर का कॉन्सेप्ट है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा उस एसेट का वैल्यूएशन कराइए, वैल्यूएशन रिपोर्ट मेंबर्स को भेजिए, ताकि मेंबर्स डिसाइड कर सकें कि अपने को वैसे ट्रांजेक्शन को अप्रूव करना है या नहीं करना है। क्लियर है? और अगर यहां पे कॉन्ट्रावेंशन होता है सेक्शन का, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिपोर्ट नहीं भेजा, ओवर पास नहीं किया, तो बाद में ट्रांजैक्शन वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जा रहा है विद द डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जा रहा है विद द डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, देन अप्रूवल ऑफ मेंबर्स शैल ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड इन द होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी में भी मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, दिस इज अनलाइक सेक्शन 188, है ना। तो 188 में हमने कुछ और देखा था, तो यहां पे क्या हो रहा है कि आपको होल्डिंग कंपनी में भी मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जा रहा है विद द डायरेक्टर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो ये आपको याद रखना, सेक्शन 192 के अंदर दैट इज नॉन कैश ट्रांजैक्शन। 193 ज्यादा काम का नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बाय 1% कंपनी विद द सोल मेंबर, तो वैसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, राइटिंग में नहीं हो तो टर्म्स मेमोरेंडम में रिकॉर्ड होने चाहिए, आरओसी को 15 डेज के अंदर इंटीमेट करना होगा आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। सेक्शन 191 भी इतना काम का नहीं है एंड सेक्शन 190 भी इतना काम का नहीं है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर दिस इज द चैप्टर ऑफ बोर्ड मीटिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। चैप्टर नंबर क्या था सर? चैप्टर नंबर 12 था। सेक्शंस क्या थे? 173 टू 195 थे। तो हमने छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिए, बोर्ड वाला 173, नोटिस वाला, नोटिस फ्रीक्वेंसी 174, कॉरम 175, आरबीसी, कमिटीज का वो दो ही सेक्शन है 177, 178, 177 ऑडिट कमेटी, 178 एनआरसी सिक्योरिटी, देन स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, देन लोन्स वाला, पार्ट्स वाला 176 टू 183, 176 वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, 179 जनरल पार्ट्स ऑफ द बीओडी, 180 रेस्ट्रिक्शन, स्टार रेस्ट्रिक्शन, 181 चैरिटी, 182 पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, 183 नेशनल डिफेंस। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वाला, रिलेटेड पार्टी वाला, रिलेटेड पार्टी के यूनिट में तीन सेक्शन, 184 दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट जिसको कोरिलेट किया 167 के साथ, 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, 189 रजिस्टर लोन्स इन्वेस्टमेंट, 185, 186, 187, 185 लोन टू डायरेक्टर्स, 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट, 187 इन्वेस्टमेंट इन ओन नेम, एंड देन वी हैव सेक्शन 192 रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश। बाकी तो ज्यादा कोई काम का था नहीं नॉन रेजिडुअल सेक्शन में, राइट। तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर याद रखनी है। वी हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद इन द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर और सो। तो एक घंटे के अंदर अपना पूरा बोर्ड मीटिंग लगभग रिवाइज हो गया है, एंड वो एग्जाम से पहले भी आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के हेल्प से पूरा का पूरा चैप्टर जो है रिवाइज कर सकते हो। तो एक बार आपने रिवाइज कर लिया, अब मैं सजेस्ट करूंगा एक बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो चैप्टर का, क्वेश्चंस में जहां जहां दिक्कत आ रही है क्वेश्चंस को मार्क कर लो अपने अगले रिविजन्स के लिए, कुछ क्वेश्चंस लिख कर देख लो, रिटर्न प्रैक्टिस कर लो, तो पूरा चैप्टर आपका एक कॉम्प्रीहेंसिव मैनर में डन हो जाएगा। एंड कमेंट करके जरूर बताना हाउ वाज द रिविजनरी लेक्चर, हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। लव यू ऑल, टेक केयर।